जिस तरीके से YouTube वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से बहुत सारे जो है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उन्हीं में से एक है डेली मोशन। डेली मोशन पे आप वीडियो को पब्लिश करके उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन YouTube में कुछ लिमिटेशन, कुछ बैन है जिसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपको 1000 सब्सक्राइबर पुराना है, 4000 घंटे का वॉच टाइम पुराना है, तो ये सब जो है आपको डेली मोशन में ये सब लिमिट, ये सब बैन नहीं है। इसमें आप चैनल बना के उस पर वीडियो को पब्लिश करके चैनल को मोनेटाइज करके आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डेली मोशन पे अपना चैनल किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से क्रिएट करेंगे और उससे आप अच्छे खासे अर्निंग भी कर सकते हैं। जिस तरीके से यूट्यूब में कितने लाइक पे आपको पैसा मिलता है, उसी तरीके से आपको डेली मोशन पे भी आप पैसा मिलता है। आपको ये लाइक कहाँ से आया है, आप कहाँ से आपको क्लिक आया है, वो सब आपको यूट्यूब पे कोई मायने नहीं रखता है। इसी तरीके से आपको डेली मोशन पे भी आपको ये मायने नहीं रखता है कि आपका लाइक कहाँ से आया है। बस आपका जितना भी लाइक आएगा उस हिसाब से आपका अर्निंग होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से आप डेली मोशन पे अपना चैनल बनाएंगे और उससे आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं उस पर वीडियो अपलोड करके। तो वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे, चैनल कैसे बनाएंगे, पैसे अर्निंग कैसे करेंगे डेली मोशन पे, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से डेली मोशन पे अपना चैनल क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और उससे आप कैसे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमाने के लिए आपको डेली मोशन पे आपको डेली मोशन पार्टनर अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो आप अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर दीजिएगा dailymotion.com/dm/partner, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से जाने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। इसको यहाँ गेट स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहां से जाके आप गूगल से या फेसबुक से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आप फेसबुक और या गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ गूगल से अपना अकाउंट क्लियर कर लेते हैं। अपन जो अपना जो भी अकाउंट अपना गूगल से करना चाहते हैं, अपना गूगल अकाउंट से, उस सबको चूज करके सिंपली इसको ओके कर देना है। ऐसे ओके कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ वीडियो देखनी है तो वॉच वीडियो पर ओके करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पार्टनर बनकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप गैलरी टू पार्टनर पर क्लिक करेंगे। डेली मोशन के टर्म एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, आप इसको रीड कर लेंगे। इसमें सब कुछ बताया गया है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक टर्म मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो ढेर सारा ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक लगाएंगे और यहाँ पे कवर पेज आप यहाँ पर लगा लेंगे। कवर पेज का बैनर जो होता है यहाँ पर देख रहे हैं कि 90:20:10:80 होना चाहिए और जो मिनिमम है 160:160 का जो इसका कवर पेज है इसका होना चाहिए। इसको यहाँ पे हम जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल पिक्चर ओपन होकर आ जाएगा। आपका प्रोफाइल पिक्चर जहाँ भी है वहाँ से अपना प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको यहाँ का देखिए प्रोफाइल पिक्चर आ चुका है। यहाँ पर कवर पर क्लिक करेंगे, कवर यहाँ से चूज करके यहाँ से लगा लेंगे। आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोबाइल पर कैसा शो होगा, टैबलेट पर इस तरह कैसा शो होगा और आप डेस्कटॉप पे आपको कैसा शो होगा। आप चाहे तो दूसरी अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम ये हमें अच्छी लग रही है तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे और ये आपका जो सेव हो जाएगा आप देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफाइल इमेज और बैनर दोनों यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे अपने चैनल का नाम डालेंगे, यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश, कंट्री इंडिया, इसके लिए मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको टैगलाइन डालना है, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वड। यहाँ पे अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अपने फेसबुक का यूआरएल डाल सकते हैं, यहाँ ट्विटर है तो ट्विटर का यूआरएल डाल दीजिएगा, यहाँ इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का भी यूआरएल डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर यूआरएल जो भी है अपना रखना चाहते हैं तो अपना यूआरएल अपने चैनल का यूआरएल यहाँ पर अपना टाइपिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप अपना कस्टम यूआरएल रख लीजिए, चैनल यूआरएल हटा के। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा फेसबुक का यूआरएल आ गया है। यहाँ पर अपना नाम टाइप कीजिए, जो भी चैनल का है, फेसबुक का, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अगर पेंटेस्ट यूआरएल तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए मैं अपना चैनल यूआरएल यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ चैनल यूआरएल में इंजीनियर राजा ऑफिशियल। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आपका यूआरएल यहाँ पर आपको डाल देना है। इसको तक अगर आपका वेबसाइट हो यहाँ डालेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। अब आपका चैनल बिल्कुल रेडी हो गया वीडियो अपलोड करने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट थ्री वीडियो, तो आप इसमें एक बार में थ्री वीडियो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका चैनल वगैरह का यहाँ पर नाम भी आ चुका है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मीडिया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बार में यहाँ से आप थ्री वीडियो को आप इस बार में एक बार में अपलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर अपना वीडियो देख रहे हैं लिंचा वाले सेलेक्ट वीडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जहाँ भी वीडियो रखा हुआ है वीडियो को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ वीडियो में इस वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने का देखिए आपका वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर वीडियो कंप्लीट इसमें अपलोड होने का वेट करेंगे। जैसे YouTube में टाइटल, टैग, लैंग्वेज, कैटेगरी सेलेक्ट किए जाते हैं, उस तरह इसमें भी सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे अपना टाइटल डाल देंगे, जो भी टाइटल है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर ये वीडियो आपको किस बारे में है। यहाँ टैग डाल देंगे, टैग को आप सर्च करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश ही रहने दीजिए। यहाँ कैटेगरी चूज कर लीजिएगा किस कैटेगरी में आपकी आती है ये वीडियो। तो मेरी कैटेगरी जो है टेक्नोलॉजी में आती है, तो मैं यहाँ से टेक्नोलॉजी चूज कर लूँगा। तो यहाँ पे हमको टैग चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है या जो भी है, तो यहाँ हम ऑलरेडी हमको पब्लिक को ही टिक रहना देना होगा। और यहाँ से जाके प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लस वाले आइकन में जाके यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग में आप डाल दीजिए टेलीग्राम क्लाउड, तो इसके बाद डाल दीजिए टेलीग्राम क्लाउड कैसे यूज करें। इसमें डाल दीजिए हाउ टू यूज टेलीग्राम क्लाउड। तो यहाँ पे अपने वीडियो से रिलेटेड अपना टैग यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, जो भी आप टैग डालना चाहते हैं। तो आप यहाँ टोटल 15 टैग लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है एडवांस, एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना टेन चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो यस पर क्लिक रहने देंगे, और नहीं चाहते हैं तो सिंपली इसको अनचेक कर देंगे। अगर चाहते हैं तो सिंपली इसको चेक ही रहने देंगे। तो यूट्यूब की तरह यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेटा आ गई है, यहाँ पर सब टाइटल डालना चाहते हैं तो सिंपली इसमें सब टाइटल यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब टाइटल डाल देंगे, जो भी आपको सब टाइटल डालना चाहिए। हम यहाँ पे हिंदी डाल देते हैं। अगर आपको और भी डालना है तो सिंपली इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम वीडियो को वेट करें कंप्लीट अपलोड होने का, तो सिंपली हम वीडियो को कंप्लीट अपलोड होने देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में यहाँ पर आपका स्टेटस होता रहेगा, कितना वीडियो कंप्लीट हो गया, कितना बाकी है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर हम पब्लिश कर देंगे। वीडियो अपलोड हो गई है, वीडियो अपलोड आप देख रहे हैं कि 100% हो गया है। सिंपली आपको यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे YouTube में देखिए देखते होइएगा कि प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें सारे जो इसमें फंक्शन इसमें सर्च कर लेता है कि आपका कोई गलत कंटेंट तो नहीं है। अगर फेसबुक गलत कंटेंट होता है तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह इसमें भी जो है सर्चिंग होते रहता है कि आपको इस वीडियो में कोई गलत कंटेंट तो नहीं है। अगर गलत कंटेंट रहता है तो वीडियो को नहीं एक्सेप्ट करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। अगर वीडियो सही है तो सिंपली उसको वीडियो को एक्सेप्ट कर लेता है। तो डेली मोशन में कुछ इसी तरह इसका प्रोसेस है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डन का ऑप्शन आ चुका है, ये वीडियो डन हो चुका है। यहाँ शेयर वाले लिंक पे जाके इसको आप किसी को भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके अपने बच्चों को वीडियो को वॉच भी कर सकते हैं और अपने वीडियो को देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वीडियो अपलोड हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपके दिल में कोई कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपके दिल में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ट्विटर इन्वेशन वीडियो और कॉपी लिंक थ्रू आप हर जगह इसको आप शेयर भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करके आप इसका एनालिटिक्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि आपका कितना व्यू आया है, टोटल आपको वाचिंग टाइम कितना वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ व्यू आपका थॉट रेट यहाँ पे आपको बता देगा और कितना आपको इनकम हुआ है इसी चैनल इसी वीडियो से, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे कितना अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे टाइम देख रहे हैं कि लास्ट 7 डे और लास्ट 30 डे, लास्ट
थ्री मंथ 12 मंथ और पूरे ईयर का आप निकाल सकते हैं। लास्ट ईयर का भी यहाँ पर पूरा सेमरी का आप निकाल सकते हैं, कितना व्यू है, कितना वॉचिंग टाइम है, कितना आपका पैसा अर्निंग की है, तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल पर जाके यहाँ चैनल के अपना पूरा समरी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपका जो जो लोगो लगाए थे वो देख रहे हैं, यहाँ जो आपको बैनर लगाए थे वो आपका आ गया, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिखे हुए थे वो आपको यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पूरा पूरा आपको अर्निंग शो कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी अर्निंग करंट अर्निंग 0-0 है। जैसे जैसे आपके वीडियो की अर्निंग होती रहेगी वो यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। तो जैसे ही आपका $100 कंप्लीट हो जाता है उसको आप निकाल सकते हैं अपना पेमेंट मेथड में जाके। तो इसके बाद कनेक्ट पेमेंट सर्विस पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हैं पेनियर और पेपल के में आप अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं। जैसे आपका पेपल अकाउंट है तो सिंपली इस पर आप क्लिक कीजिए, कनेक्ट पेपल कनेक्ट कर देना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा जो भी आपको पेपल अकाउंट है तो उससे आपको बोल रहेगा कि आप अपना पेपल अकाउंट और पासवर्ड डालने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पेपल अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी आप जो भी है वो डाल देना है। यहाँ पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन कीजिएगा आपको पेपल अकाउंट इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेपल अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर कनेक्ट करें, ओके लॉगिन पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ही साथ ही आपका ये पेपल अकाउंट आपका डेली मोशन से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर हम एग्री कर देंगे तो ये ऑलरेडी आपका जो पेपल अकाउंट है आपका ये जो डेली मोशन से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, सिंपली यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपका पूरा सेमरी यहाँ पर आ जाता है। इसको यहाँ पर अपना पेपल ईमेल आईडी डाल देंगे, स्टेट एड्रेस डाल देंगे, यहाँ सिटी स्टेट पोस्टल कोड और कंट्री यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि कौन सा कंट्री से, जो भी कंट्री से उसको आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर USD कोड आपको USD और URO ऑलरेडी इसमें है तो सिंपली हमको USD पे ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट है ही। इसको यहाँ पर अगर कोई कंपनी नेम है तो वो डालेंगे, टैक्स आईडी है तो यहाँ पर टैक्स आईडी डाल देंगे और यहाँ पे कंपनी और इंडिविजुअल, चलिए आपको कंपनी तो कंपनी पे क्लिक करेंगे, अगर इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देंगे और यहाँ से आप अपना जो USD आईडी है वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना, चलिए इसको मैं पहले यहाँ से डाल देता हूँ। इसके बाद सब कुछ डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही देखिए ऑलरेडी आपका पेपल अकाउंट इससे आपका जुड़ चुका है। इसके बाद सिंपली आपको पूरा यहाँ पर समरी आ जाएगा, यहाँ पे आपको टर्म को एग्री कर देना और यहाँ से आपको सेव कर देना है। ऐसे सेव कीजिएगा तो ये पेपल अकाउंट ऑलरेडी आपका जो पेपल जो डेली मोशन से ऑलरेडी ये कनेक्ट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपका जो पेपल करेंसी USD में हो गया और आपका इसमें जो डेली मोशन में ये आपका पेपल अकाउंट एड हो चुका है और इससे जुड़ चुका है। जैसे आपका $100 इसमें कंप्लीट होया करेगी तो आपको डायरेक्ट आपका जो पेपल अकाउंट में आपका जो $100 है वो आपको ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। इसके बाद आप चाहते हैं कि मेरा जो ये पेपल अकाउंट है वो हट जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं डिस्कनेक्ट, तो यहाँ से जाके अपन पेपल अकाउंट को हटा सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ दोबारा से यहाँ पेपल अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये दोबारा से यहाँ पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेपल अकाउंट मेथड है वो आप बहुत ही आसानी से इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी इसमें पेपल अकाउंट जुड़ चुका है। बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जिसका पेपल अकाउंट इसमें नहीं जुड़ता है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा पेपल अकाउंट इसमें जुड़ चुका है। यहाँ डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ गो टू पेपल अकाउंट पर क्लिक करके अपना पेपल अकाउंट को यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैं गो टू पेपल अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ से पेपल अकाउंट का जो पूरा से मेरी यहाँ से ओपन होकर आ चुका है। इसको अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है पेपल अकाउंट वो डिसकनेक्ट हो जाए तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू डिसकनेक्ट कर दीजिएगा, ये आपका पेपल अकाउंट है वो ऑलरेडी हट जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पेपल अकाउंट आप पे नियर बाय यहाँ पर अकाउंट जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा। चलिए हमको रखना ही है तो सिंपली इसको हम रहने देते हैं। इसको तो आपको सिंपली मीडिया पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि आपने कितने वीडियो अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप कितने वीडियो अपलोड की हुई है उस हिसाब से यहाँ पर आपको वीडियो शो करने लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपलोड किया हूँ और इसमें 3 व्यू आ चुका है। इसी तरीके से आपको इसमें व्यू आते रहेंगे। इसको यहाँ डॉलर साइन का मतलब है कि आपका जो चैनल मोनेटाइज है। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके अपना वीडियो के यहाँ एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लाइसेंस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना वीडियो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो पर थंबनेल लगाए तो सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थंबनेल का ऑप्शन है, यहाँ यूज फ्रेम पर क्लिक करके अपना जो थंबनेल है वो इसमें आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके साथ ही नीचे यहाँ अकाउंट सेटिंग दी गई है, इस पर क्लिक करके यहाँ देखें प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ प्रोफाइल जगह प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं। तो आप डेली में उसमें ज़्यादा फीचर नहीं है, यहाँ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ मीडिया में जाके अपना पूरा वीडियो देख सकते हैं, लाइसेंस पे अपना पूरा जो समरी है जो पैसा अर्न वगैरह दे सकते हैं, अपना चैनल के बारे में देख सकते हैं और यहाँ पर अपना जो अर्निंग मनी है वो आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका चैनल का लिंक ये रहेगा जिसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका चैनल का लिंक ये है और यहाँ जो जैसे आपने सेट किया था सिंपली आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको कॉपी करके अब यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए।
इसके बाद यहाँ पे अपना चैनल का नाम जो सेट किया था वो आपको डाल देना है। तो इस तरीके से अपना चैनल को यहाँ पे डाल के और यहाँ पर चैनल डाल के जो भी चैनल का जो लिंक है वो डाल के इसमें आपको डाल देना है। इसके बाद जो भी आप सेट किए हैं वो डाल के यहाँ पे डाल के इंटर कीजिएगा तो आपका चैनल ओपन होके आ जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप डेली मोशन पर चैनल बना सकते हैं और अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल बना के आप डेली मोशन पर पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इस तरीके से चैनल पे आप नॉलेज गेन करते रहिए और मेरे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट और शानदार वीडियो लाता रहूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो चैनल का है URL वो मैं यहाँ पे URL और जो भी आप सेट किया था अपने चैनल का नाम वो आप इसमें डाल के अब सर्च करिएगा तो आपको चैनल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें एक वीडियो अपलोड किया हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ गया। यहाँ व्यू का ऑप्शन कितना भी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, फॉलोअर्स कितना है वो आपको यहाँ पे शो करेगा और कितना वीडियो आप डाले हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इसी तरीके से आप अपना चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम डेली मोशन पे अपना चैनल बनाएंगे और उससे पैसे अर्न करेंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से डेली मोशन पे अपना चैनल बनाएंगे और उससे आप किस तरीके से पैसे अर्निंग करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।